ओके तो आज आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूँ मोहेयर कैराटीन ट्रीटमेंट। ये मैंने वीडियो लिया था दिसंबर 2019, मतलब अभी 2 दिन पहले। इसके मैंने स्टोरेज भी डाले हैं, ये बिफोर रिजल्ट है इनके, ऑलरेडी कलर किया हुआ है, काफ़ी डैमेज है। वो हेयर वॉश के पहले का रिजल्ट था, ये हेयर वॉश के बाद का रिजल्ट है, बट अभी तक हमने कैराटिन नहीं किया है। तो हमने ये शैम्पू यूज़ किया था, इसका नंबर है 1 मोहेयर, जो कि कैराटिन करने से पहले हमें शैम्पू करना है, वो अलग है क्लैरिफाइंग शैम्पू, और बाद के जो शैम्पू है उसको बोलते हैं ये मोहेयर सल्फर फ्री और पैराबेन फ्री प्रोफेशनल मोहेयर शैम्पू। ओके, शैम्पू, कंडीशनर एंड सीरम, तो ये तीन चीज़ हैं। ये आफ्टर शैम्पू यूज़ हैं, वो बिफोर शैम्पू है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अभी हम जो प्रोडक्ट है उसको अच्छे से एप्लीकेशन कर रहे हैं बालों के अंदर, जो कि आप सबको पता है वो लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर अच्छे से अप्लाई करेंगे तभी उसका बेनिफिट मिलने वाला है। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है स्क्रीन के ऊपर, आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम्स हो, तो मैं सारा डिटेल्स आपको बताऊंगा। यहाँ पे हमें कॉम करके सारे बालों को नीचे, जो कि प्रोडक्ट लगाया है हमने मोहेयर कैराटिन ट्रीटमेंट, इसमें दो आते हैं, एक प्लस आता है एक माइल्ड आता है। प्लस हम यूज़ करते हैं काफ़ी ज़्यादा, अगर आपको रिज़ल्ट जिसमें बोल सकते हो आपको स्ट्रेट रिज़ल्ट चाहिए, थोड़ा सा 22-25-30% बाल जो है बाल स्ट्रेट हो जाते हैं अगर आप प्लस यूज़ करते हो तो। ओके, और एक आता है सिंपल जिसमें माइल्ड बोलते हैं, जिसको हम कैराटिन, मोहेयर में दो हैं, तो उससे क्या होता है वो ज़्यादा मतलब आपको स्ट्रेट रिज़ल्ट नहीं देगा। ओके, वो माइल्ड है तो मतलब ज़्यादा केमिकल ट्रीटेड हेयर के लिए तो हम यही यूज़ करते हैं, वो रेजिस्टेंट हेयर के लिए भी यही यूज़ करते हैं, और बहुत फाइन हेयर हो तो हमें सेकंड वाला जो मैंने आपको बताया वो यूज़ करना है, इसको माइल्ड, और इसको बोलते हैं प्लस। ओके, तो यहाँ पे सेक्शन बाय सेक्शन मुझे अच्छे से अप्लाई कर लेना है प्रोडक्ट जो कि हम अभी यूज़ कर रहे हैं। मोहेयर एक US ब्रांड कंपनी है, काफ़ी अच्छा नाम कमाया है, 2 साल लॉन्च हुए हुआ इनको, 2017 में ये लोग अभी ब्रांड, जो प्रोफेशनल ब्रांड है, इनके कलर्स भी आते हैं, कलर आते हैं कलर ट्यूब्स के ऊपर लिखा होता है स्पेशली कलर विद कैराटिन, दैट मीन जितने भी कलर्स हैं कैराटिन उनके अंदर ऑलरेडी है, एडेड है, तो मतलब वो और ज़्यादा ड्राई नहीं करेंगे। मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है, बट आई लव टू यूज़ इट, मुझे यूज़ करना है, और मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट थोड़े दिनों में इसके ऊपर भी कुछ वीडियोस बनाई जाएं, तो मैं आपको बताऊंगा जैसे ही इसके ऊपर कुछ वीडियो बनती है, तो लेट यू नो। तो यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट बालों पे प्रोडक्ट लगा चुके हैं, काफ़ी हद तक 30-40% हेयर में बालों में प्रोडक्ट लग चुका है। धीरे धीरे हम पूरे सेक्शंस में, सेक्शन बाय सेक्शन हमें कलर लगाना है। ओके, तो यहाँ पे जितने पतले सेक्शन लेंगे रिजल्ट उतना अच्छा आएगा। और एक चीज़ बता दूँ, कभी भी कैराटिन ट्रीटमेंट गीले बालों में नहीं करते हैं, मैंने बाल सुखाए हैं 100%। स्क्रीन के ऊपर आ रहा है इंस्टाग्राम जो हमारा पेज है, उसका नाम है हेयर सॉल्यूशन, आप जाइए प्लीज़ उसको फॉलो करिए, हम वहाँ पे भी अपडेट देते रहते हैं, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम्स हो आप वहाँ पे हमें DM मैसेज कर सकते हैं, तो हम उनका रिप्लाई करते हैं वहाँ पे भी। और जिन लोगों ने अभी तक हमारा फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब हेयर सॉल्यूशन नाम से है अभी तक फॉलो नहीं किया है, तो प्लीज़ फॉलो कर ले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे, कमेंट्स कर दे। तो यहाँ पे सेक्शन बाय सेक्शन मुझे प्रोडक्ट लगाना, ये काफ़ी थिक क्रीम होता है जो हम यूज़ कर रहे हैं क्रीम, ये काफ़ी थिक है, काफ़ी हैवी है, इनको अच्छे से अप्लाई करेंगे, मल्सीफाई करेंगे ताकि प्रोडक्ट सारा बालों में लग जाए। अगर आपको कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं, अभी हमने एकेडमी स्टार्ट कर रहे हैं अहमदाबाद में, तो जो भी किसी को प्रॉब्लम हो प्लीज़ हमें कॉल करें, एकेडमी ज्वाइन करना है तो भी, तो हम सारी क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे फिर से मैं दोबारा दिखा रहा हूँ, ये है प्लस और नॉर्मल। प्लस वाला जो मो हेयर का था वो है, हम लगाते हैं हेयर में, कौन से वाले में, केमिकल ट्रीटेड, ये लिखा प्लस रेड कलर का, और ये है इनका प्योर सिल्क शाइन मो हेयर, ये है तकरीबन 1500 रुपये का, 1590 रुपये का।
इनके डिस्काउंट चलते रहते हैं। तो आफ्टर 30 to 35 मिनट हमने बालों को ड्राई करना शुरू कर दिया, बालों को सुखाना शुरू कर दिया विद द कूल एयर, ठंडी हवा से। जैसे ही बालों में से पूरा मॉइस्चर निकल जाएगा, आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, जब आप ड्रायर करते हो तो ऑलमोस्ट 20 मिनट 25 मिनट लग जाएंगे इनको सुखाते हुए, तो सुखाएं अच्छे से। जैसे ही सूख जाएंगे उसके बाद हम इसमें यूज़ करने वाले हैं आयरन। आयरन किसी भी ब्रांड का हो सकता है, काफ़ी अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं मार्केट में, प्रोफेशनल ब्रांड का आयरन ले। और जिन लोगों को भी कुछ ख़रीदना है, जैसे मैंने आयरन की बात की, तो हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी हम हर एक वीडियो में यूज़ करते हैं उसका लिंक हम वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं, तो आप जाके ऑनलाइन अमेज़ोन से खरीद सकते हैं वो स्टफ़ सिर्फ हमारे लिंक देने से, तो आपको कुछ पर्टिकुलर डिस्काउंट मिलता है। तो यहाँ पे सेक्शन बाय सेक्शन हमने बालों को कर लिया है ड्राई। इनके एंड्स काफ़ी डैमेज है, तो एंड्स तो हल्के हल्के कट करने ही पड़ेंगे, 1 इंच 2 इंच जितने, बाकी बाल बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। सारे बालों को अच्छे से कर लेंगे हम ड्राई, ड्राई होने के बाद हम यूज़ करेंगे आयरनिंग। तो कैराटीन में एक चीज़ और बता दूं कि आज के दिन वॉश नहीं होगा, इनके प्रोडक्ट ऐसे ही लगा रहेगा। कल आफ्टर 24 आवर्स या आफ्टर 48 आवर्स जब भी क्लाइंट कंफर्टेबल हो आके वॉश करवा सकता है विद एक तो पैराबेन फ्री और सल्फर फ्री सल्फेट फ्री शैम्पू के साथ ही आपको शैम्पू करना है और कंडीशनर करना है। ओके, अगर आपने दूसरा कोई भी शैम्पू यूज़ करते हो तो बाल उसी टाइम पर डैमेज हो जाएंगे। तो स्क्रीन के ऊपर नंबर आ रहा है, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो हमें कॉल करें, कॉल करके पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम हमारा फॉलो कर लें, हेयर सॉल्यूशन के नाम से है, और हम 2 लाख कंप्लीट कर चुके हैं यूट्यूब के ऊपर, आप लोगों की वजह से, आप लोगों की मेहरबानी है, इसके लिए थैंक यू सो मच। हम बालों को कर रहे हैं अच्छे से ड्राई, आप देख रहे हो बाल एकदम सूख गए हैं। तो यहाँ पे हमने आयरन स्टार्ट कर दिया था, तो उसके बाद मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया। देखिए बालों में कितना ज़्यादा शाइन है, अभी हमने आयरन किया है, जस्ट सी इट, रिजल्ट देखिए। जितने ज़्यादा डैमेज हेयर थे उतने ज़्यादा रिपेयर हो जाएंगे, सिर्फ एंड्स को हमें कट करना पड़ेगा, बाकी बाल बहुत स्मूथ हो गए हैं। आफ्टर वॉश यू विल लव दिस रिज़ल्ट। इस ब्रांड में मुझे यही चीज़ अच्छी लगी कि आप जब भी यूज़ करते हो ये ब्रांड के प्रोडक्ट को तो ट्रस्ट मी बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। मैंने पहले भी एक बार कैराटिन देखा है इसका, और अभी आई थिंक हमने खुद ही आंखों देखी वाली बात है, तो मतलब मुझे तो बहुत पसंद आया। अगर आप लोग भी करना चाहते हैं तो कैराटिन ट्रीटमेंट मो हेयर में आप यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा महंगा भी नहीं, आई थिंक कुछ 23 या 24 हज़ार का है। यू गोना बाय इट, ये आफ्टर रिजल्ट है विदाउट फ्लैश, फ्लैश के बिना का पिक्चर निकाला है हमने, विद फ्लैश भी निकाला है वो भी दिखाएंगे, ये विद फ्लैश पिक्चर है, तो जस्ट सी इट, मतलब दोनों हमने चीज़ें रखी हैं कि आपको समझ में आए कैराटिन ट्रीटमेंट मो हेयर में कैसा दिखता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे, कमेंट्स कर दे, और प्लीज़ बेल का आइकन दबाना मत भूलिएगा। जो लोग सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल को, ये हमारा पेज है जो कि इंस्टाग्राम पे है हेयर सॉल्यूशन के नाम से, जाके फॉलो करिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।